गुड इवनिंग बच्चों बच्चों, कल हमारा एक टेस्ट था 10 क्वेश्चंस का और चैप्टर है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम उस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका है हमारे पास यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे, मल्टीप्लाई 6x³ - y+3x²y/x²+y²। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, 6x³ - y+3x²y और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हम लोगों को x² + y² से। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा, पहले फर्स्ट की सारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड की। तो हम यहाँ पे पहले इसकी कर देते हैं दोनों के साथ, तो 6x³ और x² ये हो जाएगा हमारा x⁵। आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो 3 और 2 5। फिर 6 की मल्टीप्लाई होगी y से, तो 6x³y² ठीक है। अभी हम y की करेंगे, तो y की x से करेंगे तो -y x², फिर y की y से करेंगे तो -y³। देखिए ये y माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, y⁴ और 2 3। अभी फिर इसकी करेंगे 3x² y की, तो 3x² y की जब x² से होगी तो ये हो जाएगा हमारा 3x⁴, यहाँ पर 2 है इधर भी 2 4 y, प्लस फिर इसकी करेंगे y से तो 3x² y⁴ और 2 3। तो हम लोगों का जो आंसर है वो है 6। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे पावर्स के, तो सबसे बड़ी पावर, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वली है सारी की सारी, है ना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस आप इनको इसी तरह से अरेंज कर दीजिए। तो आप देखिएगा कौन सा आंसर करेक्ट है, 6⁵ तो सब में है, 6x⁵, फिर 3x⁴y, है ना, प्लस का वो भी, तो भाई प्लस है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, बचता है बी और सी, तो सी में बी और डी, तो डी में तो लास्ट में y⁵ है, बट y⁴ तो 3 आएगी, तो इसलिए आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा बी। ठीक है, बी, तो फर्स्ट का तो बी हो गया सर, मेरा सही है। ओके बेटा, मेरा सही है, फर्स्ट का बी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं, बोला है 3x। देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बोला 3x + 4y और ये दिया = 18 और xy = दिया हुआ है 6। बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमें वैल्यू बतानी है 9x² + 16y² की। ठीक है, देखिए बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 9x² और 16y², तो ये स्क्वायर में है बट हमें जो वैल्यूज दी थी वो किस में है, x में है, मतलब सिंपल वन पावर में है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो हमने कर दिया स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जैसी दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। इधर मैं लिख देता हूँ, इस साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, 3x + 4y² = 18² बोथ साइड स्क्वायर, मतलब दोनों साइड स्क्वायर, है ना। हम बेटा हमें आंसर स्क्वायर में चाहिए ना, तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा तभी तो आंसर स्क्वायर में आएगा, तो हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो भाई ये बन गया a + b² तो a + b² होता है a² + b² + 2ab। आप सबने पढ़ा होगा a + b² a² + b² + 2ab और = 18 का स्क्वायर 324। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9x², 4 का स्क्वायर 16y² एंड प्लस 2 3 6 4 24 xy एंड = 324। अब देखिए xy की भी हमें वैल्यू दी हुई थी 6, तो xy की जगह पर रख देना है 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 24 × 6 = 324। तो ये हो गया 9x² + 16y² और 324, और इसकी हमने इंटू करके 24 के 6 से इसको भेज दिया हमने राइट साइड। अब ये लेफ्ट में प्लस था, राइट में आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 24 का 4 2 कैरी
तो 4, 144, तो दोनों को मैंने माइनस किया तो यह आया 0, यह आ गया 8, यहाँ पर आ गया 1, तो 180 इसका आंसर है बेटा। समझ में आया आपको? हेलो बच्चों, समझ में आया अच्छे से? सही है। यस सर, समझ में आ गया। चलिए आगे करें फिर। चलिए यस सर, आगे देखिए फिर। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थ्री में 2x2 -1/400y² और whole power 2 -2x² +1/400y² एंड अगेन इसकी whole power 2। ठीक है, इसकी whole power 2। तो देखिए बेटा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो आपको स्क्वायर का फॉर्मूला आता है खोलना, तो इसको बिल्कुल उसी फॉर्मूले से हम सॉल्व कर देंगे। तो ये हो गया हमारा प्लस बी स्क्वायर है ना, इसमें a जो है वो हो जाएगा हमारा 2x² है ना, 2x² a हो गया, और देखिए ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो जाएगा। ठीक है, तो a² + b² - 2 × जो a है हमारा वो, मल्टीप्लाई जो b है हमारा वो। ठीक है, फिर माइनस का साइन, फिर ये वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट के अंदर, इस वाली वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर कर देंगे, अगेन ऐसा ही a² + 1/400y जो हो जाएगा y² हो जाएगा b² + 2 × a × b। ठीक है, तो ये पूरा एक ही लाइन में है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है पॉन में लिखा हुआ, एक ही लाइन में। चलिए अब इसको हम इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा इधर अच्छे से क्लियरली नज़र आ जाएगा। तो देखिए बेटा, 2x² हो जाएगा हम लोगों का। देखिए अभी स्क्वायर मत करिए, क्योंकि अभी क्या होगा ना, टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि आप देख पा रहे हो माइनस के बाद जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है वो बिल्कुल सेम है बाहर वाली वैल्यू जैसे ही, है ना, तो शायद वो कैंसिल आउट हो जाए, तो भाई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा खामखा। हम लोग क्या करते हैं, पहले माइनस जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसको हम ओपन करके देख लेते हैं, क्या पता वो भी एग्जैक्टली ऐसी हैं और कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए बेटा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस, और अंदर ये प्लस का था एक्स, है ना, तो 2x² होल पावर 2, ये माइनस हो गया, फिर माइनस प्लस, ये भी माइनस, 1/400y² / 2, ये भी माइनस हो गया, एंड ये लास्ट वाला, ये भी माइनस हो जाएगा, है ना, सारे के सारे अंदर जो है माइनस के साइन अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई होके पावर्स ख़त्म। ठीक है, तो देखिए सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो गया, अभी देखिए ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल आउट, है ना, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस, ये माइनस, ये भी कैंसिल आउट। अब ये दोनों टर्म्स जो हमारी बच गई, कौन कौन सी टर्म्स, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊं, तो ये दोनों टर्म्स बच गई, देखिए ये दोनों, और ये दोनों माइनस की है क्योंकि, तो इनको हम यहाँ लिख देंगे अलग से, क्या, -2 × 2x² × 1/400y² -2 × 2x² × 1/400y² इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि अब ये कैंसिल आउट नहीं होगी, दोनों माइनस में है। तो देखिए 2 × 2 = 4, तो भाई ये तो हो गया कैंसिल, तो यहाँ बचा -x² y² / 100, ऐसे 2 × 2 = 4, तो नीचे वाली पावर कैंसिल आउट, तो x² y² / 400, देखिए दोनों के दोनों सेम है, तो भाई इनका एलसीएम ले लेते हैं, इसके बाद यहाँ कर रहे हैं हम, एलसीएम ने लिया तो एलसीएम आ गया 100, ऊपर हो गया -x² y², उसके नीचे भी 100 था तो इधर भी -x² y², तो -2x² y² / 100 आंसर। ठीक है, 2 से आप इस 100 को भी काट सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 50 = 100, तो आंसर हो गया -x² y² / 50। समझ में आया बेटा? थोड़ा सा लंबा था, कैलकुलेटिव था, बट था बड़ा सिंपल, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं था, सीधा फॉर्मूला खोलो, माइनस के अंदर इंटू करो और कैंसिल आउट कर दो वैल्यू को। ठीक है, समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत? देवेंद्र, लक्ष्य बेटा, कोई प्रॉब्लम? लक्ष्य
लक्ष्य बेटा कुछ पूछना है, देवेंद्र कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो नो बेटा। सर, नो सर, नो सर। आपको कुछ पूछना है लक्ष्य? नो सर। ओके बेटा, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला 8x-2y, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 × a × b, ठीक है ना, 2 × a × b। तो ये हमने किया, 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस 6 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, x, y। तो आप देख लीजिए इसका आंसर जो है, मेरे हिसाब से इसका आंसर है ऑप्शन डी, है ना, 64 x स्क्वायर इधर भी है, 4 y स्क्वायर इधर भी है प्लस में, और माइनस 32, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर हुआ? ओके सर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसका क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है हम लोगों को, देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे ये सारे के सारे, ये मतलब आप अगर स्कूल के बच्चों से पूछोगे तो जल्दी से कोई कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, है ना, तो इनको करना नॉट अ ईजी वर्क, है ना, इट टेक्स लिटल बिट हार्ड वर्क। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, x² + 1/x² 7 दिया है, तो x + 1/x की वैल्यू बताइए। देखिए बेटा, x + 1/x की वैल्यू हमसे पूछी है, तो क्या हम क्या करते हैं, x अगर हमें पता है बेटा, x + 1/x अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो x² y² आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे यही करने वाला हूँ, मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, देखिए x + 1/x, तो वो क्या होता है बेटा, इसका स्क्वायर x² + 1/x², है ना, a + b² तो a² + b² × 2 × a × b, तो यहाँ पर इस 2 से x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है 2 × मैं इसको एक बार दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ देखिए ये लिखा है 2 × a × b, तो इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया। देखिए x² + 1/x² की वैल्यू हमने यहाँ से फिल कर दी, और इधर 2, तो ये हो गया हमारा x + 1/x² 2² 9। अब हमें बेटा पावर इसकी स्क्वायर तो नहीं चाहिए थी, यहाँ पे स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए हमें, क्वेश्चन में तो केवल विदाउट स्क्वायर पूछा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर चढ़ जाएगा अंडर रूट, और आपको पता है 9 का अंडर रूट क्या होता है बेटा, बोलो देवेंद्र, बोलो बेटा क्या हुआ, आवाज़ कैसे नहीं निकल रही आज आपकी, सर 3 होता है, 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3, समझ में आया बेटा, 3, यस सर, मुझे लग रहा है गलत कर दिए हैं सारे क्वेश्चन, तभी आवाज़ नहीं निकल रही, सर देख लीजिए सब कम सही जो आप बता सर भैया, चलिए मैं अब देख लूँगा, वो तो मुझे पता है कौन कौन से हैं इसके आंसर। चलिए बेटा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखिए, अभी देख लेंगे बेटा, इसमें आपकी कॉपी सही से आ नहीं, नज़र नहीं आ रही है, वो मैं आपको देख लूँगा, आपकी कॉपी देख लूँगा, मेरे पास है, तो इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3x - 7y = 10, और बोला xy = -1। देखिए बेटा फिर यहाँ पे 3x 7y दे दिया, और इसका नीचे स्क्वायर दिया हुआ है, बिल्कुल सेम इसी के जैसा, नहीं है कुछ कुछ, इसमें भी क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे ना, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, समझ में आ रहा है लक्ष्य बेटा, देवेंद्र आपको, यस सर, यस सर, तो दोनों साइड बेटा आप यहाँ पे देख रहे हो ना, क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्क्वायर क्या होगा, तो भाई स्क्वायर तो हम तभी बता पाएंगे ना जब दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर किया, a - b² तो ये हो जाएगा हमारा a² + b² - 2 × a × b = 10² 100। देखिए बेटा 3 का स्क्वायर 9x² 49y² - 3 × 6 × 7,
सेवन टू ज़ा सेवन सिक्स ज़ा 42, एक्स वाई इक्वल्स टू 100, तो 9x² प्लस 49y² अभी हमने यहाँ पे देखिए एक्स वाई की हमारे पास वैल्यू है -1, उसको यहाँ पे फिल कर दिया हमने, तो 42 इंटू -1 तो इक्वल्स टू 100, जिसको यहाँ पे कर रहे हैं एक्स स्क्वायर 9x² प्लस 49y² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 42 को हम लेफ्ट एंड राइट एंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का साइन लगेगा। अब 100 में से 42 गया तो बचा हमारा कितना बेटा 58, तो इसका आंसर हो गया 58। समझ में आया? बिल्कुल ऊपर वाले के जैसे, जैसे ऊपर वाला किया था ना सेकंड वाला, बिल्कुल वैसे ही है। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर, सही है। यस सर, सही। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। बोला वही बिल्कुल प्रोडक्ट करनी है इसमें भी इसी तरीके से जैसे हमने इसमें करी थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, बिल्कुल सेम है यहाँ पर भी, प्रोडक्ट करनी है हम लोगों को, मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन होगा बी। चलिए बेटा तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले x की करेंगे दोनों के साथ, तो x की पावर 2 और 2 4, फिर x स्क्वायर की 1 से करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, फिर 3 की x 3x की x से करेंगे तो 3 इंटू x की पावर 3, फिर 3x की 1 से तो 3x, फिर 5 की करेंगे x स्क्वायर से तो 5x स्क्वायर, और 5 की 1 से करेंगे तो माइनस 5, तो x की पावर 4 माइनस, देखिए माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 5 दोनों को एक साथ लिख लेता है पहले, प्लस का 5x² दोनों में x स्क्वायर है ना, तो दोनों को एक साथ लिख लिया, ठीक है, और बाकी सब एज इट इज। तो ये x की पावर 4 माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 1 गया तो बचा प्लस का 4x² इन प्लस 3x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 5, यही हमारा आंसर है। आप मैच कर लीजिए ऑप्शन इसका, देखिए मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट है बताइए आप। बी। हाँ बेटा ये ना यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पर ये माइनस का साइन है, ठीक है ठीक है ना बेटा, यहाँ पर बी करेक्ट है। हाँ ये माइनस का साइन है, ये गलती हो गई यहाँ पे दो जगह, हाँ यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा बस। चलिए आगे देखिए बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन, सॉरी एट क्वेश्चन हमें दिया है, यहाँ पर इसका स्क्वायर खोला गया है, तो 3 का स्क्वायर देखिए आप देख पा रहे होंगे 9x² अपॉन 4 का स्क्वायर 16, ऐसी ए स्क्वायर है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे माइनस आना था बट यहाँ पे इन्होंने प्लस का साइन दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस का साइन अंदर होगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी कुछ ऐसे ही तो होगा बेटा, है ना, मतलब प्लस का साइन बाहर है ना तो माइनस का अंदर होगा। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब यहाँ पे माइनस की जगह प्लस है तो इसका मतलब -2xy, बिल्कुल बेटा माइनस अंदर है तो इसका आंसर है -2xy। समझ में आया बेटा? सर मैं इसके बाद कर ही नहीं पा रहा था। ओके okay. आपको ये समझ में आ गया अभी? यस सर, सर मैं सारे कर दिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये है हमारे पास, ठीक है तो इसको करते हैं। देखिए इसमें भी अंदर की तरह मल्टीप्लाई करनी है, 3/2 x² x² -1, 1/4 x² प्लस एक्स -3/4 एक्स, एक्स की पावर 3 -1, तो अब इसके अंदर इंटू करेंगे 3x^4/2 माइनस, आंसर होगा सी वाला 3/2 x² अभी देख लेते हैं बेटा,
एक्स की पावर 4/4, अंदर हम इंटू कर रहे हैं सिंपली, ठीक है, सबके अंदर अंदर इंटू कर देंगे उनके साथ जो भी वैल्यू अंदर है, एक्स की पावर 3/4 -3/4, एक्स की पावर 3/4, 3/4 -, +3/4 और एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। देखिए बेटा यहाँ पर जो पावर सेम है ना उनको एक साथ एडजस्ट कर देंगे, जो सेम पावर है आपको बताया था ना जो लाइक वेरिएबल्स हैं उनको हम साथ में सॉल्व करते हैं, है ना, जो लाइक वेरिएबल्स हैं ना सारे के सारे लाइक वेरिएबल्स एक साथ आ जाएंगे, जिनकी भी पावर सेम है और जिनकी पावर डिफरेंट है उनको एंड में हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुके हैं। देखिए बेटा पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, कभी कभी क्या होता है ना कि हमें घोड़े की तरह काम करना होता है, गधे जैसे काम नहीं करना होता है ना, स्मार्ट वर्क करना होता है। तो स्मार्ट वर्क आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ना इतने से ही पता चल गया होगा कि आपका जो आंसर है वो क्या है। देखिए -3/2 x² केवल इधर ही है नहीं है, समझ रहे हो बेटा? यस सर। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। अब बाकी आप इसको करके देखो चाहे तो, देखिए पावर 4 सी ही होगा, हमने इसका एलसीएम ले लिया 4, तो देखिए एलसीएम 4 है, इसमें 2 था नीचे तो इसमें 2 से इंटू हो जाएगी ऊपर वाले न्यूमिरेटर में, तो 3 2 6, बाकी सब एज इट इज, ठीक है। एक्स की पावर 3/4 -3x² 2/2 +3/4x। तो बेटा 6 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना, 3, और 3 + 1 4, 4x² 4/4, ठीक है, और ये पूरा एज इट इज़, तो इस 4 से 4 कटा, बचा x² 4 और पूरा एज इट इज़, आप देख लो चाहे तो, ऑप्शन सी है। समझ में आया बेटा? यस सर। लक्ष्य क्लियर हुआ बेटा आपको? यस सर। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, इसमें क्या ऐड करें कि ये आ जाए, है ना, चडी होगा। बिल्कुल, मैंने आपको इसको करने के 2-3 तरीके बताए हुए हैं। जो सिंपल है वो तो ये है कि देखिए ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही है कि 10 में क्या ऐड करूं कि 15 आ जाए, तो अगर मैं 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा क्या ऐड करना है मुझे, है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं, है ना। एक तरीका तो यह है, और एक जो बड़ा बड़ा मतलब कॉमन सा तरीका है जो स्कूल में भी बताया जाता है, वही वो वाला है नंबर भी एडेड, है ना, नंबर भी एडेड लिख के, नंबर भी एडेड और हमने मान लिया भाई इसमें एक्स ऐड करना है, बड़ा वाला एक्स, चलिए तो भाई छोटा वाला लिख लेते हैं, छोटी वाली जो वैल्यू है पहले जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं हम, है ना। अब इसमें हमने कर दिया बड़ा एक्स ऐड, तो अब कितना आ रहा है 2x² 4 +6x - 7। देखिए करेंगे अब फिर भी वही कि एक्स इधर ही रहेगा, बाकी सारी वैल्यू उठ के दूसरी साइड है ना, यही तो होता है, ठीक है ना बेटा। तो एक्स की और 4 इधर आके उधर प्लस था, इधर माइनस, 3 माइनस था प्लस, 7 प्लस था माइनस, और 5 माइनस था वो प्लस। अब सेम पावर वालों को सॉल्व कर देंगे, देखिए 2x² 4 और यहाँ पे माइनस है तो बचेगा 1x² 4, ये सिंपली x² 4, 6x प्लस का 7x माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस तो बचेगा कितना, माइनस का 1x, ठीक है। उसके बाद 3x² 2, x² 2 वाला तो कोई है ही नहीं तो उसको एज इट इज लिख देंगे, और सिंपली लास्ट में बचा -4 और 5 -+1, तो ये आ गया हमारा x² 4 +3x² - x 1x या -x + 1, तो ऑप्शन आप इसका देखेंगे डी करेक्ट है। समझ में आया बेटा सबको? क्लियर है सबको? यस सर। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। चलिए बेटा तो आज हम लोग इतना ही रखते